फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स फ्रेम करना, बनाना। नंबर वन, मैनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स, बहुत सारे एडजेक्टिव्स नाउन्स से बनते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, एडजेक्टिव बॉयश, द नाउन इज डर्ट, एडजेक्टिव कैन बी बिकम डर्टी। केयर, केयरफुल, पार्डन, पार्डनेबल, ट्रबल, ट्रबलसम, शैमलेस, सिल्कन, courageous, manly and gifted. All of these adjectives have been framed, formed from nouns. ये किसी noun से, naming word से मिलके बने हैं. Some adjectives are formed from verbs. कुछ adjective verb से भी मिलके बनते हैं, जैसे कि tire, tireless, थका देने वाला या बिना थके. Talk, talkative, talk का मतलब बात करना, और talkative जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, बात करने वाला हो, चैटर बॉक्स हो. सीज, सीजलेस, मूव, मूवेबल. तो ये वर्ब से बनने वाले एडजेक्टिव्स थे. और इन द थर्ड पार्ट, सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव से भी बनते हैं, जैसे कि ट्रेजिक. ट्रेजिक अपने आप में एक एडजेक्टिव है, जैसे कि बहुत दुख भरा, सैड करने वाला, सोरोफुल, मॉर्नफुल, ट्रेजिक. तो इससे दूसरा एडजेक्टिव फॉर्म हुआ, ट्रेजिकल. हॉल, हॉलसम, थ्री, थ्री फोल्ड. थ्री अपने आप में एडजेक्टिव है, रिमेंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बिकॉज इट इज शोइंग द एग्जैक्ट नंबर. कार्डिनल, ब्लैक, ब्लैकिश, वाइट, वाइटिश, एंड सिक, सिकली. ये सभी अपने आप में एडजेक्टिव हैं, और इनसे दूसरे एडजेक्टिव फॉर्म हुए. तो एडजेक्टिव बनाने के तीन तरीक़े, नाउन से, वर्ब से, और ख़ुद एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव को बनाया जा सकता है. नाउ मोर अबाउट एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स विदाउट नाउन्स, वी कैन यूज़ द प्लस एडजेक्टिव विदाउट अ नाउन टू रेफर टू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी. द यंग शुड लिसन टू द ओल्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी एडजेक्टिव से पहले द लगाकर पूरी क्लास या पूरी कैटेगरी को, पूरी ग्रुप को इंडिकेट कर सकते हैं. जैसे कि द यंग शुड लिसन टू द ओल्ड, यानी बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों की बात सुननी चाहिए. द यंग मीन्स यंग पीपल, ऑल यंग पीपल. द ओल्ड मीन्स ओल्ड पीपल. फर्दर एग्जाम्पल्स, द रिच, द पुअर, द सिक, द ब्लाइंड, द अनएम्प्लॉयड. यानी सारे अमीर लोग, सारे गरीब, सारे परेशान लोग, सारे वो लोग जो देख नहीं सकते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग, बेरोज़गार लोग, ये सब एडजेक्टिव हैं. इनसे पहले द लगाते क्या हुआ, पूरी कैटेगरी को हमने इंडिकेट किया. ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या होता है, यानी अगर एक ही सेंटेंस में मोर देन वन एडजेक्टिव्स आ रहे हैं तो उनकी सिक्वेंस क्या होगी. When two or more adjectives come before a noun, they are usually put in the following order: opinion, size, age, then shape, then color, then origin or place, या जिससे वो noun adjective बना है, then material, then lastly purpose. This is the sequence, this is the order of adjectives in a sentence. Examples: an interesting old woman. Firstly, we use interesting, so it is because it is an opinion. And secondly, we used old because it is age. And you can see in the order, firstly we have to use opinion, then age. Okay, a small Japanese TV, an attractive tall building, a green plastic bag, nice white cotton cloths. Three adjectives. सबसे पहले एक opinion, nice, यानी अच्छा है, अपना अपना view बताना, अपना मत बताना कि वो कैसा है, nice, अच्छा है. देन अगर हमें उसका रंग, कलर बताना है तो हम यूज़ करेंगे सेकेंडली नाइस, अच्छा भी है और कैसा है, वाइट. और कॉटन उसका मटीरियल लास्ट में बताया गया, यानी वो बना किससे है, नाइस वाइट कॉटन क्लॉथ्स. अराउंड वुडन डाइनिंग टेबल, शेप, देन मटीरियल, देन पर्पज. यू आर सपोज टू लर्न दिस ऑर्डर: ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटीरियल, देन पर्पज. Exercise number 2. Put the adjectives in brackets in the correct order according to this sequence, this order you are supposed to fill this exercise.
ओके फॉर एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस नंबर वन, अ यंग स्ट्रेंज गर्ल, अ यंग स्ट्रेंज गर्ल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल यूज ओपिनियन बिकॉज स्ट्रेंज इज सेइंग दैट अजीब सा, अजीब सी बच्ची, तो हम कहेंगे अ स्ट्रेंज यंग गर्ल. इन द सेंटेंस नंबर टू, रिमेंबर अ स्ट्रेंज यंग गर्ल बिकॉज स्ट्रेंज इज ओपिनियन, अ यंग इज शोविंग एज. नाउ ओल्ड फनी बिल्डिंग्स, ओल्ड फनी बिल्डिंग्स, फनी विल बी फर्स्ट, फनी ओल्ड बिल्डिंग्स, देन नाइस न्यू ब्लू साड़ी. फर्स्ट ऑफ ऑल नाइस बिकॉज इट इज शोविंग ओपिनियन, देन वी हैव टू लुक टूवर्ड्स एज न्यू, एंड देन वी हैव टू से कलर. ओके नंबर फोर, यंग अमेरिकन और टॉल. यंग क्या है, एज, अमेरिकन ओरिजिन या प्लेस, और फिर टॉल क्या है उसका शेप. तो सबसे पहले आएगा यंग, अ यंग टॉल अमेरिकन टूरिस्ट, अ यंग टॉल अमेरिकन टूरिस्ट. बेसिकली इट इज़ आउट ऑफ डेली कॉन्वर्जेशन, वी डोंट यूज जनरली सो मैनी एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, बट समटाइम्स वी हैव टू यूज, सो इफ यू वॉन्ट टू यूज मैनी एडजेक्टिव मोर देन वन, देन वी हैव टू फॉलो दिस एडजेक्टिव, फॉलो दिस सिक्वेंस और ऑर्डर. सेंटेंस नंबर फाइव, लेदर ओल्ड ब्राउन. ओके ओल्ड इज साइज, सॉरी ओल्ड इज एज. In this sentence there is no opinion, so firstly we will use old, then brown, then material, lastly old brown leather shoes. Okay, old brown leather shoes, इसके आगे आपको लिखना है old brown leather shoes. Then well, nylon swimming and black. First of all we will say color black, then nylon material black, nylon swimming trunks. Swimming last mein aayega kyunki swimming kya hai iska purpose. नंबर सेवन, वी वॉन्टेड, वी वॉन्टेड, देखो अ पहले आ गया है तो हमें सबसे, अ भी आया है इसमें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी वॉन्टेड अ, वी वॉन्टेड अ ग्रे मेडल टेबल, वी वॉन्टेड अ ग्रे मेडल टेबल, वी वॉन्टेड अ ग्रे मेडल टेबल. लास्ट नंबर एट, शी वॉर एन amazing, she wore an amazing, amazing because it is an opinion. Number two will be color green, and number three will be material. So the sentence will be she wore an amazing green silk dress. These were the sentence in which we have to put the adjectives in correct order. और इसी के साथ में चैप्टर नंबर थ्री भी कंप्लीट हुआ.